नमस्कार दोस्तों, आप भी टैक्स बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसका सब सेक्शन FDDD है, जो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए है, जो डिसेबिलिटी आश्रितों को उनके उपचार के लिए व्यय करता है उनसे संबंधित है। ये देखते हैं FDDD क्या है। दोस्तों, टैक्स सेविंग में सेक्शन FDDD है जो कटौती व्यक्ति या एचयूवी के लिए उपलब्ध है, जो निम्न शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन है उसके अनुसार है। देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट है चिकित्सा उपचार के लिए विकलांग आश्रित रिश्तेदारों के प्रशिक्षण और पुनर्वास पर किया गया व्यय इसमें शामिल है। दूसरा है विकलांग आश्रित रिश्तेदारों के रखरखाव के लिए निर्दिष्ट योजना को भुगतान या जमा किया गया है, वो इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, इसमें डिसेबिलिटी कितने क्या है? दोस्तों, जहां विकलांगता 40% से 80% से बीच में है तो आप 75,000 रुपये तक की निश्चित कटौती करवा सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं। जहां दोस्तों गंभीर विकलांगता है जो 80% से वो है, उसके लिए 1,25,000 रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए विकलांगता की श्रेणी में कोई इन्वेस्ट करता है या व्यय करता है तो वो टैक्स में ये बस शो कर सकता है और वहां से ये लाभ टैक्स में उठा सकता है और टैक्स फ्री हो सकता है।